फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं मिस्टर नाव, और आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मास्किंग। तो मास्किंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए हम आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपोजर में जाके एक कंपोज बनाएंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करके एक हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और एक वीडियो हमें सेलेक्ट करनी है। ये एक वीडियो सेलेक्ट कर ली हमने, इंपोर्ट कर ली। इस पर फिर डबल क्लिक करेंगे और एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। अच्छा जी, तो अब हम इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ये वीडियो को भी ड्रैग करेंगे यहाँ पे। हम इसको प्ले करके देखते हैं कैसा दिखता है। ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये देखें छोटी सी पिक्चर नज़र आ रही है, इसके पीछे आपको वीडियो नज़र आ रही है। अब हमें इसको मास्किंग करनी है, तो मास्किंग करने के लिए हम सबसे पहले इस लेयर पर जाएंगे, तो इसका हम स्केल बड़ा कर लेते हैं और इसमें हम इसको इसका कंट्रोल प्लस करके इसको हम जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस करके हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। और हम इसको सेलेक्ट करने के मास्किंग करने के लिए सबसे पहले हम पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे, तो पेन टूल का इस्तेमाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ कैसे लगाया पॉइंट, इस पे हमने पॉइंट ही लगाते हैं और इसको सेलेक्ट अच्छे से करना है आपने। और ये इसका हिस्सा है जो हमने जिस पे मास्किंग करनी है वो एरिया हमने इसको सेट कर लेना है। पेन टूल के इस्तेमाल से ये है कि आपको जो है वो अच्छे से आप क्रॉप कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन यह है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल नहीं है। ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें कोशिश करें कि जो आपने एरिया आप विजिबल करना चाहते हैं, मास्किंग करना चाहते हैं, उतना ही एरिया जो है उसको सेलेक्ट करें। आप देखें कि दरमियान से मैं जो है इसको खाली छोड़ रहा हूँ, बस जस्ट जितना एरिया चाहिए उसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ। पॉइंटर टूल जो है, ये पेन टूल जो है, इससे जो है वो इजीली आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और जी ये यहाँ तक हो गया। अब हम इसको बाहर से लेकर जाएंगे, जितना एरिया नीचे से हमें चाहिए वो सेलेक्ट कर लेते हैं। मास्किंग जो है बड़ा अच्छा टॉपिक है एक, इसमें आप डिफरेंट क्रिएशन कर सकते हैं एनिमेशंस के साथ, वीडियो के साथ, इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं। और तो पिक्चर में से जो एरिया जितना आपको चाहिए आप शो करवाना चाह रहे हैं उतना आपका एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये मुझे नज़र आ रहा है, शो हो रही है पिक्चर, तो इसमें ये वाला पॉइंट जो है ना, ये मैं चाहता हूँ कि ये साइड पे आ जाए। इसको मैं थोड़ा सा पेन टूल का इस्तेमाल करते हुए इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करूँगा, यहीं पर रहेगा। इसको नीचे कर लेते हैं, अगर हम इसको यहाँ से ख़त्म कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरा ख्याल है।
ये देखें इतने एरिया जो इतना एरिया मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। इसको हम प्ले करके देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। ये देखें ये स्क्रीन के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड पे आ रहा है, तो इसको हम दोबारा से इसको सेट करते हैं। स्क्रीन के लिए बाई वाली साइड पे चला गया। इसको दोबारा से प्ले करके देखते हैं। ये देखें खाली पिलर नज़र आ रहा है, लेकिन वो नीचे जो बैकग्राउंड था वो नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अल्ट प्रेस करेंगे। प्रेस करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसके विंडो ज़रा थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखें अब मास्किंग हो चुकी है। अब ये दखल जो है ऑलरेडी पहले भी है, और उस पिक्चर में से हमने ये दखल लिए हैं, और ये स्क्रीन के साथ फिट है। ये पिक्चर है और ये पीछे जो है इसके वीडियो है। अब ये एक नेचुरल सा सीन आ रहा है, नज़र आ रहा है जैसे आप फॉरेस्ट में आप जा रहे हैं, तो ये आपके आगे जो है वो ट्रीज आ रहे हैं। ठीक है, इसको ये अब वीडियो से ज़्यादा है, तो इसको हम जो है ना इसकी सेटिंग करेंगे ताकि ये नेचुरल लगे। इक्वल हो गया। अब हम इसको दोबारा से प्रेस करके देखते हैं। ये देखें आप, इसको मास्किंग कहते हैं। ठीक है, अब ये तो एक मैंने एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाया। आप जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और डिफरेंट क्रिएशन कीजिएगा इसमें। तो मास्किंग आज का जो टॉपिक था हमारा मास्किंग था वो कम्प्लीट हो गया। तो अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर। ओके।